क्या आपका चेहरा भी बढ़ते पॉल्यूशन व धूल मिट्टी की वजह से काला व डार्क होने लगा है? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के केएल सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से क्या आपका चेहरा भी धूल मिट्टी डस्ट की वजह से काला और डार्क हो गया है। तो इसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को फिर से गोरा वह चमकता हुआ बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा ही बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने चेहरे को फिर से साफ और गोरा बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस नुस्खे को कैसे बनाएं और कैसे इसका उपयोग करें। इस नुस्खे को बनाने के लिए चाहिए होगा हमें गुलाब जल और दूसरा चाहिए होगा हमें ग्लिसरीन। गुलाब जल आपके चेहरे आपके स्किन के पोर्स को साफ करता है और उसे खोलने में मदद करता है, जिससे आपकी त्वचा धीरे धीरे साफ होने लगती है। दूसरा है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है हमारे ड्राई स्किन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होता है, साथ ही हमारे कील मुहासे वाले दाग धब्बों को भी निशान को मिटाने में हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अब हमें एक छोटा सा बाउल लेना है, फिर हमें इसमें एक चम्मच रोज वाटर का लेना है। और दूसरा एक चम्मच हमें ग्लिसरीन लेना है। हमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमारा यहाँ बनके तैयार हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करें। आपको इसके उपयोग करने से पहले अपने फेस को स्टीम लेना होगा। आप एक कटोरे में गर्म पानी कर ले हल्का सा और फिर अपने फेस को स्टीम दें, जिससे आपके स्किन के सारे पोर्स खुल जाएं और आपको यहाँ ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे। आपको फिर इसके बाद एक छोटा सा रुई का टुकड़ा लेना है और फिर उसके बाद में आपको इसमें डिप करके अपने फेस पे लगाना है। फेस पे लगाने के बाद आप इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे मसाज करें और आप इसको कुछ समय के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपको इसका असर देखने को मिलेगा। अगर आप यह नुस्खा हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द और अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने घर परिवार व दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी अच्छी अच्छी जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।